जय श्री राम। हमारे पास फिर से एक सेंट्रिया का इन्वर्टर आई हुई है बनने के लिए। सेंट्रिया की इन्वर्टर है और फास्टैग इसका कैपेसिटी की बात करो तो 1100 VA का ये इन्वर्टर हो जाता है। आपको नीचे के साइड से क्लियर व्यू से दिखाई दे रहा होगा। दूसरा चीज़ ये कि इसके अंदर इतनी धूल है कि भाई साहब जब हम इन्वर्टर को ऐसे रख रहे हैं या वैसे रख रहे हैं तो फिर नीचे के साइड आप देख सकते हो कितनी धूल नीचे लग रही है। चलिए इसके प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें यूँ है कि जब ये UPS मोड में चल रहा है, यानी कि जब ये इन्वर्टर मोड में चल रहा है, कम लोड है इस पर, तो उस सिचुएशन में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जब इस पर स्ट्रॉन्ग टाइप लोड जा रही है, यानी कि जब 3 से 4 फैनों की लोड जा रही है, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि सारे के सारे जितने भी इसमें पैनल लाइट लगाए गए हैं सारे के सारे ब्लिंक करने लग रही है और इसका पूरा ऑपरेटिंग बंद हो जा रहा है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये भी उत्पन्न हो रहा है कि जब इसमें चार्जिंग सेक्शन आ रही है तो कुछ देर चलने के बाद, जैसे मैं बात करूँ 15 से 20 मिनट, आधे घंटे लेटेस्ट आधे घंटे तक चलने के बाद में ये प्रॉब्लम इसमें सारे के सारे इंडिकेशन एक साथ ओपन हो जा रही है और इसका चार्जिंग से लेकर के इन्वर्टिंग पॉइंट सारी की सारी क्लोज हो रहा है, यानी कि बंद हो जा रही है। तो आखिरकार इस तरह की प्रॉब्लम कैसे आती है और कहाँ से आती है? सर्वप्रथम तो ये भी क्लियर करते चलो कि सेंट्रिया का हो या माइक्रोटेक का हो, दोनों का कार्ड मिलता जुलता रहता है। प्रॉब्लम और इसकी सारी की सारी ट्रैकिंग की सिस्टम जो भी होती है सारी की सारी मिलती जुलती होती है। तो अगर आप माइक्रोटेक के बारे में ज़्यादा अनुभव रखते हो तो फिर आप सेंट्रिया का काम आसानी से कर सकते हो। बाय द वे, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ इन्वर्टर के साथ भी आती है तो उसको कैसे सॉल्व की जाती है, इसका दो ही मेथड होता है। इसमें दो ही तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि इसका अगर कोई भी MOSFET शॉर्ट होगा तो उस सिचुएशन में भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और दूसरा चीज़, इसका जो बैक साइड जो फैन लगे रहते हैं, ये वाली फैन और एडजस्टेबल फैन जो लगे रहते हैं, अगर ये भी शॉर्ट होगी तो उस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सर्वप्रथम तो मैं MOSFET का बात करूँ तो MOSFET अगर शॉर्ट होगा तो उस सिचुएशन में जब आप इसमें पावर दोगे तो एक हमिंग की आवाज़ें आने लगेगी एक्स्ट्रा। लेकिन अगर वैसी आवाज़ें नहीं आ रही है तो आखिरकार किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? चलिए इन्वर्टर को ओपन करते हैं और आपके सामने इसका जो भी प्रॉब्लम होता है सारे के सारे क्लियर करते हैं। ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आपकी ये प्रॉब्लम सेंट्रिया के साथ ही है, अगर आपकी ये प्रॉब्लम माइक्रोटेक के साथ भी होती है तो भी इस तरह की फॉलो कर सकते हो। लुमिनियंस के साथ होती है तो भी, लिवगार्ड के साथ होती है तो भी, बाय द वे जितने भी इन्वर्टर आती है अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आसानी के साथ उसमें इस तरह से प्रॉब्लम को देख करके आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो और बना भी सकते हो। तो चलिए फटाफट से सर्वप्रथम तो इन्वर्टर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आप इस इन्वर्टर का कंडीशन देखना कितनी गंदी और कितनी ख़राब हालात से। भाई साहब इन्वर्टर को ओपन करते टाइम ही हमारे काउंटर पे देखो इतनी सारी धूल जम गई है, इतनी सारी धूल आ गई है। भाई साहब समझो इसके अंदर कितनी धूल जमी है। भाई इन्वर्टर को यूज़ करने वाले का भी तारीफ है कि वो अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका टाइम टाइम से मेंटेनेंस नहीं देते हैं, जिसके कारण से इस तरह की हालातें उत्पन्न होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पार्ट कोई भी लगाए हो तो उसको टाइम टाइम से मेंटेन करते रहना चाहिए। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि आप इन्वर्टर की बैक साइड को या फ्रंट साइड जो इसके कवर लगे रहते हैं इसको ओपन करो, कम से कम 1 साल के अंदर भी अपने इन्वर्टर के कवर को ओपन करके और इसमें जितने भी धूल वगैरह लगी रहती है सारे के सारे धूल को आप आसानी से साफ़ कर दो। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी कोई भी ट्रैकर मिसिंग नहीं होगी। अगर मिसिंग उसी शॉर्ट सर्किट होने के कारण से होती है, तो हमारी कवर ओपन हो चुकी है आपसे बातें करते करते और फिर इसका कंडीशन आप देख सकते हो इस इन्वर्टर को कैसा है। जैसे मैंने आपको बताया सर्वप्रथम स्टार्टिंग में ही बताया और इसका पैनल वगैरह जो भी साइड से हैं सारे के सारे कंडीशन आपके सामने हैं। भाई साहब ये यूज़ करने वाले की तारीफ़ है बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसे ट्रांसफार्मर पर देखो तो कितनी मोटी धूल जमी है, भाई साहब बता नहीं सकते। तो ऐसा इन्वर्टर ख़राब नहीं होगा तो फिर सर्विस कैसे दे पाएगा बेटर रूप से? भाई साहब इसकी जितनी भी बोर्ड लगी है, जितनी भी कंपोनेंट इसमें लगी है, सारी की सारी कंपोनेंट आपकी धूल से भरी हुई है। सो फिर इस तरह की प्रॉब्लम और इस तरह की कंडीशन आपके इन्वर्टर के साथ ना हो, सो भाई साहब टाइम टाइम से ज़रूर सफाई करना। ये आप देख करके हम मतलब क्या बताएं आपको, ऐसे फीलिंग आ रही है कि ऐसे इन्वर्टर को ना ही काम करो तो बेटर होगा, बट क्या करें, काम तो करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर्वप्रथम तो इसको पूरा क्लीन करते हैं फिर आपके सामने इसका प्रॉब्लम को हम पेश करते हैं। इन्वर्टर को हमने अब साफ कर लिया हुआ है तो उस टाइम का कंडीशन आप देख सकते हो। पहले इसी ट्रांसफार्मर पर भाई साहब इतना सारा धूल लगा हुआ था, मैं क्या बताऊँ आपको, आप पहले से देख सकते हो और अब का देख सकते हो। और इसमें प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया कि ओ ट्रिप में ये ट्रांसफार्मर जा रही है, तो सर्वप्रथम तो हम इसका टेस्ट करेंगे कि MOSFET है सही है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर MOSFET की प्रॉब्लम होगी तो इसमें से हमिंग आएगी की आवाज़ें आने लगेगी। तो चलिए हम इसको लाइट देते हैं और देखते हैं कि क्या इसका कैसा मतलब जो भी कंडीशन है आपके सामने बताने वाला हूँ। दो ही प्रॉब्लम इसमें आने वाले हैं, एक बैक फैन और दूसरा आपका इसका MOSFET का। तो जैसे ही आप सप्लाई देते हैं और UPS हमारी ऑन हो चुकी है,
ऑन मोड में है, ऐसे देख सकते हो आप ऑन मोड में है। और इसको हम चालू करते हैं, ऐसे देखो ऑन हो गई, लेकिन इसमें कोई भी हमारी हमिंग की आवाज़ें ज़्यादा नहीं आ रही है। थोड़ी सी हल्की आएगी तो वो चलेगी, क्योंकि वो इन्वर्टिंग की पावर होती है। ज़्यादा आ रही है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ज़्यादा आएगी तो फिर मोस्फेट आपका शॉर्ट होगा, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से हमारी मोस्फेट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसका बैक फैन का है, जिसके कारण से हमारी जो ट्रांजिस्टर लगे हैं वो ओवरलोड हीट होने के कारण से बंद हो जा रहे हैं। इसमें कुछ फ्यूचर दिए रहते हैं, जिसके कारण से अगर ओवरलोड हीटिंग में जाती है तो फिर आपकी इन्वर्टर है जो कि बंद हो जाती है। तो हमारे मोस्फेट का बात करूँ तो इसमें मोस्फेट आपका लगाए गए हैं P18NF55 का मोस्फेट लगाया गया है, और इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ना, अब इसका फ़ैन को हम मतलब चेंज करते हैं। ऐसे फ़ैन भी आप देखोगे तो कितनी टाइट सी हो गई है, ऐसे देख सकते हो टाइट सी चल रही है, जो कि ये फ़ैन ये स्मूथली चलनी चाहिए था। जैसे हमारे पास फ़ैन का बात करूँ तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी फ़ैन पड़ी है। जैसे इसका एक बार राउंड करोगे तो फिर आप देख सकते हो कितनी बार चलती है। ये वाली फ़ैन इसी की है, 3 इंच की हो जाती है, 12 वोल्ट 3 इंच की में चलती है ये। और इस फ़ैन का बात करूँ तो एक बार रोटेट करने से एक बार भी नहीं घूम रही है। जितना टाइम हम हाथों से रोटेट कर रहे हैं उतना ही टाइम घूम रही है, बाकी टाइम नहीं घूम रहा। फ़ैन को चेंज करते हैं, उसके बाद में हमको एक कनेक्टर का जो मतलब लीकेज का जो प्रॉब्लम है वो हमको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो हम कनेक्टर को भी काट के डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम वहाँ से भी आ सकती है। सर्वप्रथम फ़ैन को चेंज करते हैं, क्योंकि फ़ैन के कारण से ही हीटिंग होकर के इस तरह की प्रॉब्लम आपकी आई है। ये जो कनेक्टर लगाए गए हैं ये इसके भी शॉर्टिंग की प्रॉब्लम इसमें आई हुई है। तो फ़ैन को ओपन, रिपेयर नहीं सीधा चेंज। और कितने सिचुएशन में फ़ैन को चेक करने का एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है चलिए बताता हूँ। इस सप्लाई को इसमें जोड़ ली जाती है, और सप्लाई जोड़ने के बाद में सप्लाई जुड़ गई, हमारी UPS ऑन हो चुकी है। उस टाइम में जो इसका आउटपुट पॉइंट होता है, ऐसे पीछे के साइड जो आउटपुट पॉइंट होता है, इसको शॉर्ट की जाती है। ऐसे देखो शॉर्ट करोगे, जैसे ही शॉर्ट करोगे तो फिर आपकी फ़ैन चलने लगनी चाहिए, जो कि ये शॉर्ट हो रही है, लेकिन फ़ैन हमारी नहीं चल रही है। इसका मतलब फ़ैन पे हमारे लोड आ रहे हैं। अब ये जैसे ही शॉर्ट करोगे तो ये फ़ैन चलनी चाहिए था, लेकिन नहीं चल रही है। इसका मतलब हमारा फ़ैन पूर्ण रूप से डेड हो चुका है। चलिए इसके जगह पर हम न्यू फ़ैन डालते हैं। पुराने वाली फ़ैन हमारी ये रहती है, आप देख सकते हो इसका कंडीशन, आप कुछ देख सकते हो कितनी टाइट है, नचाने से भी नहीं नच रही है। और जो हमारी न्यू वाली फ़ैन है, ऐसे देखो ये हमारी एक बार राउंड करने से देखो कितनी बार राउंड कर रही है। चलिए इसको हम लगा लिए इसमें, और फिर से जैसे मैंने बताया आपको कि स्पार्किंग का विधि चेक करने का, फिर से वही विधि होगा। सप्लाई को देते हैं, सप्लाई को दिए, हमारी फ़ैन देखो चलने लगी है। अभी देखो फ़ैन चलने लगी है, कारण ये है कि हमारी ट्रांसफार्मर जो हीटिंग मोड में है तो ये फ़ैन हमारी गैस को निकालने का बाहर काम करती है। फ़ैन हमारी लुक गई, तो जैसे आपने देखा कि हमारी फ़ैन लगाते ही हमारी फ़ैन चालू हो चुकी थी, यानी कि जो पहले ये लगा रहे थे तो ऑन नहीं हो रहा था, नहीं चल रहा था। तो ये क्या होता है, इसका फ़ैन कैपेसिटी का बात करूँ तो कैपेसिटी आपका 12 वोल्ट का होता है। इसमें देख सकते हो 12 वोल्ट की लगाई रहती है फ़ैन, और क्लियर व्यू से आप देखो 12 वोल्ट की लगाई रहती है। और ये भी फ़ैन हमने जो लगाए हैं 12 वोल्ट की ही है। चलिए फ़ैन को अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं ना, हमारी प्रॉब्लम जो भी है इन्वर्टर की शायद तर सॉल्व हो गई है। चलिए इन्वर्टर में हमारी फ़ैन वगैरह भी लग चुके हैं, अब क्या करेंगे ना हम इसका चार्जिंग वगैरह देख लेते हैं डाल करके कि चार्जिंग पे हमारी फ़ैन ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है चार्जिंग मोड में। तो ये हमने चार्जिंग मोड दिया, और फ़ैन आप देख सकते हो चार्जिंग मोड चली गई है, अभी भी फ़ैन हमारी ऑन नहीं हुई है। रीज़न ये है कि इसका बैटरी फुल चार्ज है, जिसके कारण से हमारी फ़ैन ऑन नहीं हुआ है, बट ये फ़ैन चालू हो चुका है। जैसे ही आप इस पर कुछ चीज़ का लोड दोगे तो फिर ये मतलब आपकी फ़ैन जो है चलने लगे। तो चलिए इसको टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि बैटरी को ओपन कर लो, और फिर से जब इसमें सप्लाई आप दोगे तो फिर आपकी फ़ैन ऑटोमेटिक ही चलने लगेगी, जो कि हमारी पहले नहीं चल रही थी, लेकिन अब देखो आप हमारी फ़ैन चल रही है। तो ये फ़ैन हमारी इन्वर्टर हमारा पूर्ण रूप से सही हो चुका है, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आती थी जो कि सॉल्व हो चुकी है। और एक चीज़ ये बताऊँ कि अपने इन्वर्टर को टाइम टाइम से मेंटेन भी देखते रहना होगा, नहीं तो आपकी जैसे इस इन्वर्टर की हालात हुई थी फिर आपकी भी इन्वर्टर की हालात वैसे ही होने वाली है। तो ये छोटी सी नॉलेज, अगर आपके भी इन्वर्टर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, सारी की सारी लाइट एक साथ बंद होकर के जल रही है, तो फिर आप इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हो और सीख भी सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।